हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने क्लास 9th की मैथ की वर्कशीट नंबर 46 लेकर आई हूँ। बच्चों, आज इसमें पढ़ोगे आप गोले और पृष्ठीय क्षेत्रफल की समझ, ठीक है बच्चों? और वर्कशीट की हेडिंग है गोले और अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है बच्चों? तो इसमें मैं आपको बता दूँ कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr², ओके बच्चों? तो R जो होता है वो गोले की त्रिज्या होती है, जिसमें कैपिटल R दिया हुआ है, ठीक है? तो बच्चों, इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको करवा देती हूँ। इस पर 4 क्वेश्चन दिए हैं। पहला क्वेश्चन है, 21 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें R निकालनी पड़ेगी, जो कि इन्होंने व्यास दिया हुआ है, ठीक है ना बच्चों? तो R क्या होगा, व्यास को 2 से भाग कर देंगे तो हमारे पास त्रिज्या निकल जाएगी। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 4πr², जो कि हमने फार्मूले में पढ़ा है वर्कशीट में। तो इसको वैल्यू पुट कर देंगे, 4×22/7×21/2×21/2। देखो बच्चों, व्यास 21 दे रखा है हमारे को, व्यास जो है वो 21 दिया है, तो 21/2 त्रिज्या निकल जाएगी, ठीक है? तो इसको हल कर लेंगे बच्चों, तो क्या आया, 22×21×3, तो आंसर आ जाएगा बच्चों 462×3=1386 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है? ये तो है पहले क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, 1 सेंटीमीटर, क्वेश्चन नंबर 2 है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इसमें दोनों निकालने हैं बच्चों, ठीक है? आर दे रखा है 21 सेंटीमीटर, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2πr², ठीक है? अब वैल्यू पुट करेंगे, 2×22/7×21×21, क्योंकि त्रिज्या हमारे को 21 दे रखी है, ठीक है? वर्ग है इसलिए 2 वर्ग गुणा करेंगे, हल करेंगे इसको तो ये आएगा 132×21, ठीक है? 7 के पहाड़े पे कट गई। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा, इसको हल करेंगे तो आ जाएगा बच्चों 2772 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है? अगला निकालना है हमें, इसी का ही सेकंड पार्ट निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 3πr², ओके? अब फिर से इसमें मान रख देंगे, आ जाएगा 3×22/7×21×21, 7 पे कट जाएगा, 7×21, तो हमारे पास बचा 198×21=4158 वर्ग सेंटीमीटर। ये था सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब थर्ड क्वेश्चन है, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है बच्चों? आर हमारे पास नहीं दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, त्रिज्या है ही नहीं है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। करेंगे, हमारे को आर नहीं दिया हुआ है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है 4πr² = हो जाएगा 154, क्योंकि हमारे को दे रखा है, इसका आंसर दे रखा है ना पृष्ठीय क्षेत्रफल का, तो इसके बराबर कर देंगे फार्मूले के, फार्मूले में जो हमें वैल्यू पता है वो पुट कर देंगे, 4×22/7×r², आर हमें निकालना है यहाँ पे, बराबर है 154, आर स्केयर का यहीं रखेंगे बच्चों, जो कट रहा है उसे काट देंगे, ठीक है? और हल करने के बाद हमारे पास क्या आया, देखो इसको कैसे हल करेंगे, जो हमारे पास आर स्केयर हम लेफ्ट में रखेंगे, ओके, और बाकी सारा इधर पहुंचा देंगे, जब बराबर के इधर अगर नंबर गुणा हो रहा है तो इधर जाके भाग हो जाएगा, यानी कि संख्या पलट जाएगी, ये 7 ऊपर हो जाएगा, 22 नीचे हो जाएगा, जो कट रहा है उसे काट देंगे, 22 से ही कट रहा है, 22 से कम 22, और 22 सत्ते 154, ठीक है? 2 7 आ गए और 2 2 आ गए, हमें वर्ग में दे रखी है त्रिज्या, आर स्केयर है यहाँ पे, आर का वर्ग है, तो इसको भी 2 बार गुणा करा है ना, तो इसका वर्ग हटाएंगे तो 1 आ जाएगा बच्चों, 7/2, ठीक है? 2 7 में से 1 7 आ जाएगा और 2 2 में से 1 2 आ जाएगा, यानी कि 7/2 इसका आंसर आ जाएगा। अगर आप हल नहीं करना चाहते तो 7/2 इसका आंसर लिख सकते हैं, और अगर इसको भाग करके लिखोगे, अगर इसको भाग करके हल करोगे तो ये आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर, ओके? अब चौथा क्वेश्चन है बच्चों, चौथे क्वेश्चन में क्या दिया है, एक त्रिज्या r = 7 सेंटीमीटर वाला लंब वृत्तीय बेलन एक गोले का पूर्णतः घेरे हुए है, जैसे कि आकृति में देख रहे हो आप। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले ए में निकालना है और बी वाला निकालना है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है बच्चों? अब देखो इसमें जो चित्र है इसमें दे रखा है, त्रिज्या हमें दी हुई है, बेलन की त्रिज्या कितनी है, 7, बेलन और उसी के अंदर गोला बना हुआ है, ठीक है? अगर बेलन की त्रिज्या 7 है तो गोले की त्रिज्या भी 7 ही होगी, ठीक है? मैंने लाइन करके डिवाइड कर दिया, मैंने बताने के लिए लिखा है यहाँ पे। अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं, ए वाला पार्ट है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है 4πr²,
तो ये हो जाएगा 4 × 22/7 × 7 × 7, क्योंकि ऊपर आर हमें दे रखा है, तो हल करने पे आ जाएगा 616 वर्ग सेंटीमीटर। बी वाला पार्ट है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो यह है 2πRH, इसका फार्मूला होता है बच्चों, ठीक है। 2 × 22/7 × 7 हमें त्रिज्या दे रखी है, और 2R, देखो H हाइट नहीं मालूम, ठीक है, H हमारे पास नहीं है, ठीक है, तो R का दुगना होगा हमारा हाइट, ठीक है, ऊंचाई हमारी क्या होगी 2R, ये लिखेंगे 44 × 2 × 7 88 × 7 = 616 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, ये इसका आंसर आ गया बच्चों। ये थे इसके वर्कशीट के 4 क्वेश्चन। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ बच्चों मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।